हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएससी सीजल 3 एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, मार्च में हुआ था, 5 मार्च को पेपर हुआ था। तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी एक नोटिस भी जारी किया था, लास्ट मंथ का बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्लियर किया था कि अभी रिजल्ट में काम चल रहा है, कॉपी चेक हो रहा है, ओएमआर का मूल्यांकन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे कि पता है कि अभी आपका चल रहा मई, ठीक है, मतलब बीएसएससी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। मैंने कांटेक्ट भी किया हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, लेकिन जब उनमें रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जून का, यानी 10 जून तक रिज़ल्ट पब्लिश हो सकता है, ठीक है। 10 जून तक रिज़ल्ट आने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो भी नॉर्मलाइजेशन है वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ था, पहला पेपर आपका जो 23 और 24 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो 23 दिसंबर का प्रथम पाली का पेपर को कैंसिल किया गया था ड्यू टू पेपर लीक के कारण, पेपर आउट हो गया था, पेपर लीक हो गया था, और उसका एग्ज़ाम हुआ था आपको मार्च में, ठीक है। तो 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ तो उसको फिर नॉर्मलाइजेशन करके अलग अलग 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो उसके हिसाब से फिर आपका रिज़ल्ट बनाना बाकी था, ठीक है। तो अभी रिज़ल्ट, तो बीएसएससी का अगर बात करें तो 10 जून तक आप इंतज़ार कर लें, और जो इसका भी नंबर अच्छे आ रहे हैं मेंस के लिए अभी से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेंस का भी सिलेबस आपका प्रीलिम्स का ही सिलेबस है आपका। इसमें एक पेपर एक्स्ट्रा एड होता है हिंदी का, तो हिंदी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो 30% ही आपको मार्क्स करने हैं उसमें, और बात बाकी जो आपका मेंस का सिलेबस है उसमें आपको 25 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेंगे, 25 आपका जनरल साइंस का रहेगा, आप 50 रीजनिंग रहेगा, 50 जीके रहेगा, ठीक है। तो इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, टाइमिंग आपका 2 घंटा 15 मिनट ही रहेगा, मतलब मेंस का सिलेबस तो आपको बिल्कुल सेम है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए, और भाई बात करने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में आपका बिहार में कौन कौन सा एग्ज़ाम है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो होप आप सब जो भी बीएसएससी सीजल 3 का भी वेट कर रहे थे रिज़ल्ट के बारे में, उन सब का रिज़ल्ट अगर मैं बात करूँ तो 10 जून तक रिज़ल्ट आ सकता है, 10 जून 2023 तक रिज़ल्ट पब्लिश हो सकता है। और इसका मेंस का अगर एग्ज़ाम का अगर बात करें, एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, क्योंकि अगर बात करें तो सेप्टेम्बर में BEPSC 69 का कम्बाइंड एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद LRC का भी, बिहार LRC का भी एग्ज़ाम आपको अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा, और जो अभी टीचर भर्ती आए हैं BPSC के द्वारा उसका एग्ज़ाम आपको नवंबर में होने जा रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है बिहार में, उसके रिगार्डिंग अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप सब अपना मेंस के लिए तैयारी में लग जाएं और प्रैक्टिस करें, खूब जमकर प्रैक्टिस करें मैथ्स और रीजनिंग का, और जो भी इससे रिलेटेड होगा मैं वीडियो लेकर आऊँगा GS की गोली पर। होप सो आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को पसंद आएगा तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।